Before learning about data types, we want to discussing just about why we should use data types, why we should go for data types. Means data types को use करने का exactly purpose क्या है, सबसे पहले उसके reasons check करेंगे. जब भी किसी भी प्रोग्राम के रिस्पेक्ट में वेरिएबल डिक्लेरेशंस प्रोवाइड करते हैं, वेरिएबल डिक्लेरेशन के रिस्पेक्ट में सपोज दैट अगर सिंपली आपके पास कोई आइडेंटिफायर नेम अवेलेबल, आइडेंटिफायर नेम मींस एनी नेम लाइक समथिंग यू आर हैविंग सम नेम एज M1, देन इस केस में M1 को देखकर किसी भी पर्सन के लिए बताना पॉसिबल नहीं होगा. M1 करेंटली वेरिएबल नेम है या फंक्शन नेम है, स्ट्रक्चर नेम है. M1 सिंपली क्या, सम वैलिड आइडेंटिफायर इन सी लैंग्वेज. देन हाउ टू आइडेंटिफाई दिस वन इज अ वेरिएबल और फंक्शंस लाइक दैट, मीन्स कोई भी थिंग्स आइडेंटिफाई किसके बेस पर, बेस्ड ऑन इट्स सिंटैक्सिस. नेक्स्ट वन, किसी भी वेरिएबल्स को सपोज दैट फॉर एग्जांपल वी आर कंक्लूडिंग हियर और वी आर एज्यूमिंग M1 इज अ वेरिएबल नेम्स और M1 इज अ सम वैलिड वेरिएबल नेम. तो जब भी कोई वेरिएबल नेम्स क्रिएट करें तो वेरिएबल्स को क्रिएट करने के रिस्पेक्ट में कंपाइलर्स के लिए 7 इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड होंगे. किसी भी वेरिएबल को क्रिएट करने के रिस्पेक्ट में ऑलवेज कंपाइलर्स के लिए कितने इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड होंगे, कंपाइलर मीन्स ड्यूरिंग कंपाइल टाइम्स और सम यूजर्स. Forget about compilation. Here we are means इस केस में सिंपली एज्यूम करो अगर जब आपके पास कोई भी आइडेंटिफायर या वेरिएबल नेम अवेलेबल है देन वेरिएबल्स के रिस्पेक्ट में कितने प्रॉपर्टी रिक्वायर्ड होंगे, व्हाट इज द साइज. मीन्स अगर सिंपली वेरिएबल नेम अवेलेबल वी आर राइटिंग सम वेरिएबल नेम ओनली एज एक्स, देन एक्स के रिस्पेक्ट में कैसे आइडेंटिफाई करो, एक्स के लिए रिक्वायर्ड साइज क्या हुआ, रिक्वायर्ड साइज मे बी 1 bytes, मे बी 2 bytes, मे बी 4 bytes. इसे डायरेक्टली केवल वेरिएबल नेम्स के बेसिस पर किसी भी पर्सन के लिए ऑब्जर्व करना पॉसिबल नहीं, किसी भी वेरिएबल्स के लिए कितने बाइट्स रिक्वायर्ड है. नेक्स्ट प्रॉपर्टी, सपोज अगर आपके पास वेरिएबल का साइज अवेलेबल लाइक 2 bytes, देन नेक्स्ट केस क्या रहेगा, मीन्स इस वेरिएबल्स के अंदर किस टाइप का डेटा स्टोर करना पॉसिबल है, टाइप्स ऑफ डेटा और कंटेंट्स. नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या रहेगा, अबाउट हाउ मेनी टाइप्स और विच टाइप्स ऑफ कंटेंट्स आर अलाउड फॉर दैट वेरिएबल. कंटेंट मीन्स मे बी सम होल नंबर्स, मीन्स कुछ वेरिएबल्स के अंदर ओनली होल नंबर्स स्टोर करना पॉसिबल, मे बी सम होल नंबर्स और सम डेसिमल नंबर्स और मे बी कैरेक्टर्स और मे बी स्ट्रिंग्स लाइक दैट. किसी वेरिएबल्स के लिए अलाउड कंटेंट किस टाइप्स को, होल नंबर मीन्स मे बी 1, 2, 3, 4, 5 एनी नंबर्स एनी डिजिट्स. डेसिमल नंबर मीन्स 1.5 समथिंग. कैरेक्टर मीन्स एनीथिंग एनक्लोजिंग इनसाइड सिंबल कोड. स्ट्रिंग मीन्स एनीथिंग एनक्लोजिंग इनसाइड डबल कोड्स लाइक दैट. नेक्स्ट थर्ड रिक्वायर्ड प्रॉपर्टीज मीन्स केवल वेरिएबल नेम्स के बेसिस पर किसी भी पर्सन के लिए ऑब्जर्व करना पॉसिबल नहीं, एक्स के लिए कितने बाइट्स एलोकेट होंगे, इसके अंदर किस टाइप का डेटा स्टोर करना पॉसिबल हुआ. सेम है नेक्स्ट थर्ड रिक्वायर्ड प्रॉपर्टीज रेंज ऑफ वेरिएबल्स. मीन्स नेक्स्ट रिक्वायर्ड प्रॉपर्टी क्या, रेंज. मीन्स किसी भी वेरिएबल्स के लिए पॉसिबल रेंज क्या हुआ, किस रेंज का डेटा स्टोर करना पॉसिबल. सपोज दैट वी आर कंसिडरिंग एक्स के अंदर ओनली होल नंबर स्टोर कराना पॉसिबल, लेकिन होल नंबर्स के केसेस में कई सारे नंबर्स पॉसिबल हैं और इनफाइनाइट नंबर्स पॉसिबल हो, देन इस केस में किस रेंज का डेटा स्टोर करना पॉसिबल. रेंज मीन्स मिनिमम अलाउड और मिनिमम परमिटेड वैल्यू, मिनिमम टू मैक्सिमम वैल्यू इन बिटवीन देम. मीन्स दिस इज द रेंज फॉर एनी वेरिएबल्स. नेक्स्ट रिक्वायर्ड प्रॉपर्टीज फॉर विद रिस्पेक्ट टू एनी वेरिएबल इज आफ्टर रेंज व्हाट इज द डिफॉल्ट इनिशियल वैल्यू ऑफ एनी वेरिएबल्स. जब भी कोई वेरिएबल मेमोरी में क्रिएट करते हैं सबसे पहले प्रोवाइड क्या होता है, सम इनिशियल वैल्यू. किस वेरिएबल के लिए किस टाइप का डिफॉल्ट वैल्यू असाइन करना पॉसिबल, व्हाट इज मीन बाय डिफॉल्ट वैल्यू, मे बी 0, मे बी गार्बेज, मे बी सम नल कैरेक्टर्स लाइक दैट. This is meanwhile about default property. In that case, default cases में provide किया और may be 0 और may be some garbage value और may be some null character. Character types का variable हो सकता है इस केस में आसानी का something null character. Next one, these are 4 property. After that, what about next required properties? जब भी आप कोई variable create करते हो variable के respect में required क्या हो, means variables are created inside RAM as we know. जनरली वेरिएबल्स को क्रिएट करने के 2 पॉसिबल केस होंगे, या तो वेरिएबल रैम के अंदर क्रिएट होंगे या फिर सीपी मेमोरी में. सीपी मेमोरी के केसेस में नेम देंगे एज अ रजिस्टर मेमोरी, रैम के केसेस में नेम प्रोवाइड करेंगे एज अ बाइट्स इन द फॉर्म ऑफ
बाइट्स, कोई वैल्यू या तो रजिस्टर मेमोरी में स्टोर होगा या फिर बाइट मेमोरी इनसाइड रैम। लेकिन रैम के अंदर भी कई सारे लॉजिकल पार्टीशंस पॉसिबल लाइक स्टैक एरिया, डेटा एरिया, हीप एरिया एंड सो ऑन। मीन्स कोई वैल्यू किस प्लेस पर क्रिएट हुआ, दिस मीन बाई रिक्वायर्ड एरिया ऑफ द एलोकेशंस। सेम है नेक्स्ट रिक्वायर्ड प्रॉपर्टीज स्कोप। जब भी कोई वेरिएबल क्रिएट हुआ वैसा भी वेरिएबल्स के साथ एसोसिएट क्या हुआ, एसोसिएट प्रॉपर्टी। व्हाट इज द स्कोप ऑफ एनी वेरिएबल, किसी वेरिएबल के रिस्पेक्ट में स्कोप क्या होंगे, आइदर विदिन अ ब्लॉक और लोकल स्कोप। लोकल स्कोप मीन्स विदिन अ ब्लॉक और विदिन अ फंक्शंस और विदिन अ फंक्शंस और विदिन अ प्रोग्राम। मीन्स देर आर थ्री स्कोप्स आर अवेलेबल फॉर एनी वेरिएबल्स और मे बी होल प्रोजेक्ट लेवल और विदिन अ प्रोजेक्ट लाइक दैट। दीज आर स्कोप फॉर अवेलेबल फॉर एनी वेरिएबल्स। लेकिन केवल वेरिएबल नेम्स के बेसिस पर ऑब्जर्व करना पॉसिबल नहीं है करंटली इस वेरिएबल का स्कोप क्या है। लास्ट प्रॉपर्टी अबाउट एनी वेरिएबल्स इज साइज प्रॉपर्टी, सॉरी लाइफ प्रॉपर्टी। नेक्स्ट वन इज लाइफ। लाइफ मीन्स किसी भी नॉर्मल पर्सन के रिस्पेक्ट में बात करें तो पर्सन का लाइफ से क्या रिलेशन हुआ। व्हाट इज मीन बाय लाइफ ऑफ एनी वेरिएबल्स, किसी भी पर्सन के रिस्पेक्ट में पॉसिबल लाइफ क्या हुआ। लाइफ इज नथिंग बट इट इज अ टाइम ड्यूरेशन बिटवीन बर्थ टू डेथ ऑफ एनी पर्सन। मीन्स लाइफ को कैलकुलेट किस फैक्टर्स के बेस पर करोगे, अ टाइम ड्यूरेशन बिटवीन बर्थ टू डेथ ऑफ एनी पर्सन्स इज कॉल्ड एज लाइफ फॉर दैट पर्सन। सेम है अगर वेरिएबल्स के रिस्पेक्ट में बात करें, वेरिएबल के रिस्पेक्ट में लाइफ का मीनिंग क्या है, फ्रॉम अ टाइम ड्यूरेशन बिटवीन मेमोरी एलोकेशन टू मेमोरी डी एलोकेशन। इस प्रोग्राम के किसी वेरिएबल्स के रिस्पेक्ट में एलोकेशन होने के जस्ट बाद इसका लाइफ स्टार्ट होगा। लाइफ एग्जिस्ट कब तक करेगा, जब तक आप मेमोरी से वेरिएबल्स को डी एलोकेट नहीं करते। दिस इज मीन बाई लाइफ प्रॉपर्टी अबाउट एनी वेरिएबल्स। लाइफ इज नथिंग बट इट इज अ टाइम पीरियड बिटवीन एलोकेशन टू डी एलोकेशन। सिंपली वी कैन से मेमोरी एग्जिस्टेंस ऑफ एनी वेरिएबल्स मीन्स जब तक वेरिएबल मेमोरी के अंदर एग्जिस्ट करेगा, मेमोरी एग्जिस्टेंस एग्जिस्टिंग ड्यूरेशन को नेम दोगे जब मेमोरी एग्जिस्टेंस इज नथिंग बट लाइफ ऑफ वेरिएबल्स। दीज आर सेवन फैक्टर्स विच इज रिक्वायर्ड विद रिस्पेक्ट टू एनी काइंड ऑफ वेरिएबल्स। नेक्स्ट वन, हाउ टू आइडेंटिफाई दीज सेवन इंफॉर्मेशन विद रिस्पेक्ट टू एनी वेरिएबल्स। दीज सेवन इंफॉर्मेशन आर रिक्वायर्ड ड्यूरिंग कंपाइलेशन फॉर कंपाइलर। जब तक कंपाइलर के पास किसी वेरिएबल्स के रिस्पेक्ट में सेवन इंफॉर्मेशन अवेलेबल नहीं है, देन कभी भी वेरिएबल्स के लिए मेमोरी एलोकेशन पॉसिबल नहीं। देन हाउ टू सप्लाई दीज इंफॉर्मेशन टू द कंपाइलर, हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डिसाइडिंग दैट इंफॉर्मेशन। इस किसी भी वेरिएबल्स के लिए कितने बाइट्स एलोकेट होंगे, अलाउड रेंज क्या होना चाहिए, किस स्कोप में यूज करना चाहिए, प्लस मेमोरी के अंदर एग्जिस्टेंस कब तक होना चाहिए, सारे फैक्टर डिसाइड कौन करेगा, डेवलपर। लेकिन डेवलपर इंस्ट्रक्शन सप्लाई किसके लिए करेगा, कंपाइलर के लिए विद द हेल्प ऑफ सम प्रीडिफाइंड फंक्शनैलिटीज। दिस प्रीडिफाइंड फंक्शनैलिटी इज नथिंग बट समथिंग डेटा टाइप्स। मीन्स प्रीवियस केस में जैसे मैंने वेरिएबल का नेम प्रोवाइड किया लाइक सिंपली एक्स, देन किसी भी पर्सन के लिए ऑब्जर्व करना पॉसिबल नहीं। इस केस में एक्स के लिए बाइट्स कितने रिक्वायर्ड हैं, x का डिफॉल्ट वैल्यू क्या होगा, रेंज क्या होगा, कंटेंट किस टाइप की स्टोर ऑल अबाउट। देन बट सपोज दैट जैसे इस केस में मैंने वेरिएबल x के लिए डेटा टाइप सप्लाई किया लाइक अ इंटीजर इन 16 बिट कंपाइलर। एज वी नो और वी आर डिस्कसिंग नेक्स्ट सेशंस व्हाट इज द साइज ऑफ इंटीजर इन 16 बिट सी कंपाइलर, इंटीजर विल टेक्स ऑलवेज 2 bytes। इस प्रीवियस केसेस में x का साइज ऑब्जर्व करना पॉसिबल नहीं था, लेकिन जैसे ही मैंने इस केस में डेटा टाइप प्रोवाइड किया एज अ x, इमीडिएटली किसी भी पर्सन के लिए बताना पॉसिबल, व्हाट इज द एलोकेटेड साइज फॉर x, 2 bytes इन 16 बिट कंपाइलर। सेम एज अगर x के लिए डेटा टाइप प्रोवाइड किया समथिंग कैरेक्टर, कैरेक्टर के रिस्पेक्ट में इमीडिएटली ऑब्जर्व करना पॉसिबल, व्हाट इज द साइज ऑफ x, 1 bytes लाइक दैट। डेटा टाइप क्या है, डेटा टाइप विल प्रोवाइड्स साइज प्रॉपर्टी ऑफ एनी वेरिएबल। साइज मीन्स जैसे डेटा टाइप प्रोवाइड किया इसका साइज कितना एलोकेट हो रहा है, 2 bytes मीन्स साइज कितना इस केस में, 2 bytes। सेम एज इस केस में किस टाइप के कंटेंट्स स्टोर करना पॉसिबल होगा, इसका डेटा टाइप इंटीजर है, अलाउड कंटेंट्स क्या है, होल नंबर्स, होल नंबर और वी कैन से सिंपली इंटीजर नंबर। इसका मतलब क्या हुआ, डेटा मीन्स डेटा टाइप के बेसिस पर वैल्यू का साइज भी ऑब्जर्व करना पॉसिबल हो रहा है, प्लस किस टाइप का डेटा स्टोर करना पॉसिबल, ये पर्टिकुलर प्रॉपर्टी भी ऑब्जर्व करना पॉसिबल है। सेम है रेंज,
जैसे किसी वेरिएबल के लिए डेटा टाइप प्रोवाइड करने देन वेरिएबल का रेंज भी ऑब्जर्व करना पॉसिबल है। वेरिएबल एक्स का साइज 2 बाइट है, इस केस में इसका रेंज क्या हुआ -32768 to 32767, दिस इज द रेंज फॉर दैट वेरिएबल। लेकिन रेंज भी डिसाइड किसके बेस पर हुआ, बेस्ड ऑन डेटा टाइप्स। इस डेटा टाइप्स के रिस्पेक्ट में किसी वेरिएबल के रिस्पेक्ट में करंटली कितने इन्फॉर्मेशन ऑब्जर्व किए, 3। लेकिन डेटा टाइप के बेसिस पर कभी भी किसी वेरिएबल का डिफॉल्ट वैल्यू आइडेंटिफाई करना पॉसिबल नहीं, बिकॉज डेटा टाइप प्रोवाइड करते हैं इसका डिफॉल्ट वैल्यू क्या हुआ डिपेंड करेगा किस स्कोप में क्रिएट हुआ है। अगर करंटली एक्स लोकल वेरिएबल है, डिफॉल्ट वैल्यू क्या होगी, गार्बेज। अगर वेरिएबल एक्स लोकल सॉरी ग्लोबल वेरिएबल है, इस केस में डिफॉल्ट वैल्यू क्या होगा, 0। डिफॉल्ट वैल्यू डेटा टाइप पर डिपेंड करेगा, सम अदर फैक्टर्स। वाट आर दोज फैक्टर वी आर डिस्कसिंग नेक्स्ट केस, जस्ट इस डेटा टाइप के बेसिस पर किसी भी वेरिएबल का डिफॉल्ट वैल्यू ऑब्जर्व करना पॉसिबल। वी आर नॉट एबल टू आइडेंटिफाइंग डिफॉल्ट वैल्यू फॉर एनी वेरिएबल्स बेस्ड ऑन डेटा टाइप्स। नेक्स्ट वन, एरिया ऑफ द एलोकेशंस। किसी भी वेरिएबल के लिए एलोकेशन कितने प्लेसेस पर पॉसिबल है, समथिंग स्टैक, समथिंग डेटा एरिया, समथिंग सीपीयू, रजिस्टर मेमोरी, हीप मेमोरी, लाइक एंड सो ऑन। देन करेंटली इंटीजर एक्स, इसे वेरिएबल एक्स के लिए किस प्लेस पर एलोकेशन परफॉर्म हुआ, अगेन डेटा टाइप के बेसिस पर ऑब्जर्व करना पॉसिबल नहीं है। यू आर नॉट एबल टू आइडेंटिफाइंग एरिया ऑफ द एलोकेशन बेस्ड ऑन डेटा टाइप। सेम एज वी आर नॉट एबल टू आइडेंटिफाइंग स्कोप ऑफ द वेरिएबल्स। अगर सेम डिक्लेरेशन या सेम डेटा टाइप लोकल वेरिएबल्स के लिए अप्लाई करो, देन स्कोप क्या हुआ, विद इन अ ब्लॉक। सेम डेटा टाइप ग्लोबल वेरिएबल्स के लिए अप्लाई करो, देन स्कोप क्या हुआ, विद इन अ प्रोग्राम्स। देन अगेन डीएमएस स्कोप प्रॉपर्टी भी डेटा टाइप टू डेटा टाइप चेंज हो रहा है, नॉट पॉसिबल। मीन्स डेटा टाइप के बेसिस पर कभी भी स्कोप प्रॉपर्टी आइडेंटिफाई करना पॉसिबल। सेम एज लाइफ, लाइफ मीन्स लाइफ के वो आइदर विद इन अ ब्लॉक और होल एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोग्राम। किसी भी वेरिएबल का लाइफ के वो डजंट मैटर व्हाट इज द डेटा टाइप ऑफ वेरिएबल्स। कभी भी डेटा टाइप के बेसिस पर साइज और लाइफ प्रॉपर्टी ऑब्जर्व करना पॉसिबल नहीं। मीन्स अगर किसी वेरिएबल का डेटा टाइप प्रोवाइड किया है, देन डेटा टाइप के बेसिस पर कितने इन्फॉर्मेशन ऑब्जर्व करना पॉसिबल, ओनली बिगिनिंग 3 इन्फॉर्मेशंस, ओनली व्हाट इज द रिक्वायर्ड साइज फॉर एनी वेरिएबल, टाइप्स ऑफ स्टोर्ड कंटेंट्स और मिनिमम और मैक्सिमम रेंज, डोमेन ऑफ वैल्यूज। डेटा टाइप के बेसिस पर ओनली बिगिनिंग 3 इन्फॉर्मेशन ऑब्जर्व करना पॉसिबल है, या कंपाइलर्स के लिए ओनली 3 इन्फॉर्मेशन सेंड करना पॉसिबल है। देन हाउ टू सेंड रिमेनिंग 4 इन्फॉर्मेशन विद रिस्पेक्ट टू एनी वेरिएबल्स। पर किसी वेरिएबल के रिस्पेक्ट में कंपाइलर्स के लिए टोटल कितने इन्फॉर्मेशन रिक्वायर्ड है, 7 इन्फॉर्मेशन। लेकिन डेटा टाइप्स के बेसिस पर कितने इन्फॉर्मेशन सेंड करना पॉसिबल, ओनली 3 इन्फॉर्मेशन। रिमेनिंग 4 इन्फॉर्मेशन सप्लाई होंगे विद रिस्पेक्ट टू स्टोरेज क्लासेस, रिस्पेक्ट टू स्टोरेज क्लासेस ऑफ वेरिएबल, लाइक दैट। मीन्स कंपाइलर दोनों ऑल इन्फॉर्मेशन सप्लाई किसके लिए कर रहे हैं, ऑल इन्फॉर्मेशन बी रिक्वायर्ड फॉर कंपाइलर ड्यूरिंग कंपाइलेशन। मीन्स कंपाइलर के लिए गिवन प्रॉपर्टीज के बेसिस पर किसी भी वेरिएबल से रिलेटेड ऑल प्रॉपर्टी एक्सेस करना पॉसिबल। सेम एज कंपाइलर, सेम एज प्रोग्रामर। मीन्स प्रोग्रामर या किसी भी पर्सन के लिए केवल वेरिएबल नेम्स के बेसिस पर प्रॉपर्टी ऑब्जर्व करना पॉसिबल नहीं था, लेकिन जैसे ही प्रॉपर्टी अवेलेबल होंगे देन इमीडिएटली ऑल इन्फॉर्मेशन एक्सेस करना पॉसिबल रिगार्डिंग एनी वेरिएबल्स। दीज आर ऑल अबाउट वेरिएबल्स। किसी वेरिएबल को क्रिएट करने के रिस्पेक्ट में कितने प्रॉपर्टी रिक्वायर्ड है, डेटा टाइप एंड स्टोरेज क्लास। नेक्स्ट वन, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ डेटा टाइप। डेटा टाइप इज नथिंग बट इट इज सिंपली कंपाइल टाइम इंफॉर्मेशन टू द कंपाइलर about any variables with respect to size property, respect to range property, respect to types of stored contents properties. These all property will be supplied to the compiler by using data types. Same as what is the definition of storage classes. Storage classes also compile time information about any variables which is supplied during compilation to the compiler with the help of storage class. What is those property which is supplied by using storage class? What is the default value of variables?
What is the area of the allocation? What is the scope for life? Last four property can be supplied with the help of storage classes. Then finally, किसी भी variable को declare करने का possible syntax क्या हुआ? जब भी आप कोई variable create करो, तो variables के respect में possible syntax क्या है? First one, first of all, we can supplying something storage class. स्टोरेज क्लास कितने टाइप्स के हैं, डेटा टाइप्स कितने टाइप्स के हैं, जस्ट डिस्कस करेंगे इन नेक्स्ट सेशन. स्टोरेज क्लास, देन डेटा टाइप एंड वेरिएबल नेम एंड वेरिएबल वैल्यू. नेक्स्ट वन, सेकंड केस, स्टोरेज, वो स्टोरेज क्लास और डेटा टाइप कैन बी इंटरचेंज. मीन्स पहले डेटा टाइप राइट करना पॉसिबल होगा, देन स्टोरेज क्लास. इट इज ऑल्सो वैलिड सिंटैक्स फॉर डिक्लेयरिंग एनी वेरिएबल्स. स्टोरेज क्लास, देन अगेन वेरिएबल नेम्स और वेरिएबल वैल्यू. सेम एज स्टोरेज क्लास इज ऑप्शनल वेन एवर वी आर सप्लाइंग डेटा टाइप. अगर आपने किसी वेरिएबल्स के लिए डेटा टाइप प्रोवाइड किया है, देन इस केस में फॉलो क्या हुआ? अगर स्टोरेज क्लास प्रोवाइड नहीं किया, देन इस केस में वेरिएबल डिक्लेरेशन कैसा है? वैलिड वेरिएबल डिक्लेरेशन. बिकॉज अगर आपने स्टोरेज क्लास प्रोवाइड नहीं किया, देन डिफरेंट डिफरेंट डिफॉल्ट स्टोरेज क्लास ऑटोमेटिकली एसोसिएट होंगे बेस्ड ऑन सम प्रीडिफाइंड रूल्स. सेम एज अगर किसी वेरिएबल के रिस्पेक्ट में स्टोरेज क्लास प्रोवाइड किया है एंड डेटा टाइप प्रोवाइड नहीं किया है, देन अगेन ये केस कैसा है? ऑल्सो वैलिड. दीज आर ऑल वैलिड डिक्लेरेशन विद रिस्पेक्ट टू एनी वेरिएबल्स. अगर स्टोरेज क्लास प्रोवाइड किया, देन डेटा टाइप ऑप्शनल है. डेटा टाइप प्रोवाइड किया, देन स्टोरेज क्लास ऑप्शनल है. और डेटा टाइप और स्टोरेज क्लास दोनों ही प्रॉपर्टीज सप्लाई करना पॉसिबल. नेक्स्ट वन, हाउ मैनी डेटा टाइप्स आर अवेलेबल इन सी लैंग्वेज. सेम एज हाउ मैनी स्टोरेज क्लासेस आर अवेलेबल इन सी लैंग्वेज. बिफोर स्टार्टिंग डेटा टाइप, वी वॉन्ट टू डिस्कसिंग सम बेसिक प्रॉपर्टी अबाउट स्टोरेज क्लासेस. After that, we are discussing about data types. Storage class, we are discussing storage class in details during function topics, during user defined functions. Generally, C के अंदर four types के storage class possible होंगे. Auto, it is default storage class for local variables. अगर आपने local variables use किए, local variables के लिए अगर manually कोई storage class provide नहीं, then by default storage class क्या हुआ है? Auto. Same as नेक्स्ट स्टोरेज क्लास इज रजिस्टर. जनरली सी के अंदर टू टाइप्स के वेरिएबल्स पॉसिबल थे, लोकल वेरिएबल और ग्लोबल वेरिएबल्स. ऑटो एंड रजिस्टर स्टोरेज क्लासेस ओनली लोकल वेरिएबल्स के साथ अप्लाई करना पॉसिबल. इट इज नॉट एप्लीकेबल फॉर ग्लोबल वेरिएबल्स, इट इज एप्लीकेबल ओनली फॉर लोकल. मीन्स लोकल वेरिएबल्स को ऑटो बनाना भी पॉसिबल और रजिस्टर. अगर आपने कोई भी स्टोरेज क्लास प्रोवाइड नहीं किया, सिंपली प्रोवाइड किया सम डेटा टाइप अलॉन्ग विद वेरिएबल नेम्स, इसके साथ डिफॉल्ट स्टोरेज क्लास क्या हुआ? डिपेंड करेगा इस वेरिएबल का टाइप लोकल है, बाय डिफॉल्ट इसका स्टोरेज क्लास क्या हुआ? समथिंग ऑटो स्टोरेज क्लास. ऑटो और डिफरेंट डिफरेंट स्टोरेज क्लासेस के प्रॉपर्टीज क्या होंगे, नेक्स्ट सेशन में टेबल्स के थ्रू एक्सप्लेन करेंगे. सेम एज थर्ड स्टोरेज क्लासेस स्टैटिक. स्टैटिक स्टोरेज क्लास कैन बी अप्लाइड बोथ टाइप ऑफ वेरिएबल्स, इट इज एप्लीकेबल लोकल वेरिएबल्स एज वेल एज ग्लोबल वेरिएबल्स. नेक्स्ट वन, एक्सटर्न. इट इज डिफॉल्ट स्टोरेज क्लास फॉर ग्लोबल वेरिएबल्स. अगर आपने लोकल वेरिएबल यूज किया, लोकल के केसेस में डिफॉल्ट स्टोरेज क्लास क्या है? ऑटो. ग्लोबल के केस में डिफॉल्ट स्टोरेज क्लास क्या है? एक्सटर्न. स्टैटिक एंड एक्सटर्न आर एप्लीकेबल फॉर बोथ टाइप्स ऑफ वेरिएबल्स, लोकल वेरिएबल एज वेल एज ग्लोबल वेरिएबल्स. बट ऑटो और रजिस्टर इट इज एप्लीकेबल ओनली फॉर लोकल वेरिएबल. इन नेक्स्ट सेशन, बिफोर डिस्कसिंग अबाउट डेटा टाइप्स, we are discussing about storage classes.